बोलेंगे और हमें उनकी उम्मीद है कि आप ये हमारा मैसेज जो है वो दूसरे के दूसरे अपने अपने घरों में भी, अपने लोकेलिटी में भी, अपने दोस्तों को भी और जो भी जाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वंस। एज ए होस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम व्हाट आई फील दैट वो बड़ा सेलिब्रेट करने का पर्पस है वो हल हो गया। बड़ी अच्छी बातें मुझे सभी से सुनने के लिए मिली। रिलेशन के दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है। हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे मैं ये कहूंगा कि भागे नहीं, गलती हो गई ये दरगुजर कर देंगे, लेकिन आप भागना शुरू हो जाए और आपके ही नीचे हो जाए भाई से तो वो ऐसा नहीं करो, तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और दूसरा नंबर में आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जहूर अहमद तांत्रे साहब, इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस फॉर प्रोग्राम। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम आई जस्ट सिंपली टूडे मॉर्निंग विजिटेड आरटीओ ऑफिस पुंछ, तो मैं एआरटीओ पुंछ उनको बुलाना चाहता था। वहां से मुझे पता चला जी कि वो जो पहले हैं वो रिलीव हो गए हैं और दूसरे जो हैं अभी उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। तो मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया तो मैंने कहा जी कब आप आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी आज ही। तो मैंने आज थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की कि नेक्स्ट करें क्योंकि आज हमारे वो हमने तैयार नहीं किया हुआ। एंड आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम पुंछ टू मंडी, तो फिर इन्होंने ही बताया कि आज ही करें, तो फिर हमने कर लिया। फिर बाद में इनको कोई फोन आ गया डीसी साहब का कि आप पहले पुंछ बस स्टैंड पे करें, तो फिर कुल मिला के हमने यहाँ तैयारी कर ली थी, हमने डिस्कस किया आजम साहब से और हमने जो है। तो मैं सभी बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो है शॉर्ट नोटिस में ये सभी यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया हमने रोड सेफ्टी क्लब के अंदर, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे हमने यहाँ डिग्री कॉलेज मंडी में रोड सेफ्टी क्लब बनाया। उसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एनएसएस वॉलंटियर, एनसीसी वॉलंटियर मिक्स करके हमने किया है। तो आज हमने रिक्वेस्ट की थी अपने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से, एआरटीओ ऑफिस पुंछ से और पुलिस स्टेशन मंडी जो है उनके ऑफिसर्स जो हैं वो आज आए और हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे मोर देन 40 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारा मेन मकसद जो है इस प्रोग्राम को अवेयर ऑर्गेनाइज करने का कि बच्चों में और उनके पेरेंट्स में, सोसाइटी में ये स्प्रेड हो मैसेज, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बेस्ट मैसेंजर्स हैं, यही मैसेज कन्वे करते हैं। मोस्टली आए दिन रोड जो है उसके एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया जाती हैं, तो उनको बचाने के लिए, और ये जो एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली होते हैं स्पीड की वजह से और मोबाइल जो यूज़ करते हैं या नशा करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं किसी वजह से, या कुछ लोग जो लालची होते हैं ओवरलोडिंग करते हैं, फिर और कुछ लोग जो है वो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको ओबे नहीं करते हैं, तो उस वजह से या बाइसकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं और जब कहीं ट्रैफिक वाले पुलिस वाले दिखाई देते हैं तो यकायक वो क्या करते हैं भागना शुरू करते हैं, तो मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं और कीमती जानें जो है ज़ाया जाती हैं। इसलिए हमने हमारा जो ये हिली एरिया है मंडी तहसील का, तो इनके बच्चे डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट पंचायत से, डिफरेंट विलेजेस से आते हैं, तो उन सभी बच्चों को हमने ऑर्गेनाइज करके कॉलेज में एक जो है कोविड-19 पेंडेमिक्स का जो है प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, बच्चों में ये स्प्रेड करने के लिए मैसेज, ताकि वो मैसेज कन्वे हो सोसाइटी में, उनके पेरेंट्स में, उनके दोस्तों में कि जो रोड सेफ्टी जो वीक है, पहले तो वीक भी होता था, दिस ईयर जो है रोड वीक थी मंथ हो रहा है जो 18th जनवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलेगा ये प्रोग्राम्स, और डिफरेंट पार्ट्स में हम जो है आगे और भी इसी मुनासबत से और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक में हम कोई और भी करेंगे सिंपोजियम वगैरह, ताकि बच्चों में और ज़्यादा जो बच्चे आज नहीं शामिल हो पाए वो भी आ जाएं, और फिर ताकि मैक्सिमम जो है अवेयरनेस हो और मिनिमम रोड एक्सीडेंट्स हो, कीमती जाने जो हैं वो बच जाएं। ये है कि एक तो हमारे बच्चे जो भी ये मैसेंजर्स हैं ये पास ऑन होंगे, जो आए बच्चे इन्होंने फोटोग्राफी ली है, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की है स्पीचेज़ की, ये जो है अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। दूसरा जो मीडिया है इसका बहुत अहम रोल होता है, हर एक जो सोशल बुराई है जो उसको जो है दूर करने के लिए मीडिया का रोल है, तो मीडिया का जो पेपर्स में जाएगा, न्यूज़ में जाएगा या टेलीकास्ट कहीं पे होगा, तो उन चैनल्स के ज़रिए ये मैसेज डोर टू डोर घर घर तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि हम जो है ये एक्सीडेंट्स वाली प्रॉब्लम्स जो है इससे बहुत मिनिमाइज़ कर पाएंगे।
आगे फ्यूचर में भी। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम, कुदरती नेचुरल प्रॉब्लम है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता जहाँ तक मुमकिन हमारे हाथ में है, हमारे बच्चों के हाथ में है और ड्राइवर हजरात के हाथ में है, तो मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसीलिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी बंदे बुलाए, हमने डिपार्टमेंट वाले, ट्रैफिक वाले भी बुलाए, मीडिया हजरात भी आए और हमारे स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स भी आए, स्टाफ फैकल्टी भी थी। आगे फ्यूचर में और अच्छा काम करेंगे और पेरेंट्स वगैरह को भी मीट करेंगे, अच्छे सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे या वाकाथॉन करेंगे, जिससे जो है पूरी अवेयरनेस और जो है दिन ब दिन बढ़े और मिनिमाइज हो ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स। ये पूरे मुल्क में रोड सेफ्टी महीना इस साल मनाया जा रहा है। तो मनाने का मकसद यही है कि ट्रैफिक के हवाले से हम कैसे सुरक्षित रहें, हम अपनी जानों की कैसे हिफाजत करेंगे। तो ये जो हमारे प्रोग्राम का मनाने का मकसद ये है कि ये हम हर जगह जाके, स्कूलों कॉलेजों में जाके या अपने ड्राइवर हजरात को एक जगह जमा करके उनसे ये अवेयरनेस करते हैं कि आपको कैसे सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ानी हैं, आपको कैसे दूसरों की इज्जत रखनी है, जो पैदल चलते मुसाफिर उनको क्या कैसे ख्याल रखना है। तो हम हर साल ये मनाते हैं। तो ये हर साल की तरह इस साल भी, पहले ये एक हफ्ता हुआ करता था लेकिन इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक महीने का ये प्रोग्राम मुकर्रर कर दिया। तो इस एक महीने में हमने हर जगह पे जाके, हर कॉलेज, हर चाहे जितना भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी प्रोग्राम हम करेंगे, तो उस हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, कि कैसे हमें आगे के लिए ट्रैफिक के हवाले से सुरक्षित रहना है। देखिए सर, हर जगह तो नामुमकिन है कि हमारा पहुँचना, लेकिन हम आपके माध्यम से पब्लिक तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमने आज मंडी में यहाँ प्रोग्राम किया है, जो मंडी से यहाँ आज हमारे दोस्त हजरत आए हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है, इस इवेंट में शिरकत की है, उनसे हम एक मुदीबना रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी ये हमारी आपके माध्यम से चैनल देख रहे हैं, तो उनको ये कि जितने भी जहाँ पर भी ये मैसेज नहीं गई उनको ये पूछें कि ट्रैफिक के हवाले से ये क्यों मनाया जा रहा है। सोचिए आपके बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन कौन सा है? शादी? स्कूल का पहला दिन? ना। आपके बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन ये है पोलियो रविवार, क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने 5 साल तक के बच्चे को 31 जनवरी को पोलियो बूथ पे ले जाएं और 2 बूंद जिंदगी के पिलाएं।